गाइस हेमकुंड साहब जाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। गाइस ऐसी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है इन सारे पत्थरों के जरिए। वो अगर आप चढ़ाई पे आ रहे हैं तो आप ये याद रखिए, आप अपने साथ कुछ खाने पीने का जरूर रखिए। गाइस यार मैंने कभी सोचा भी ना होगा कि इस तरह के जंगलों में चलना पड़ेगा। ये यार पहुँच चुके हैं हो क्या हेलीपैड के बिल्कुल पास में। हे गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त और बढ़िया ही होंगे। तो मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने से प्यारे से चैनल यूट्यूब शशेंद्र ब्लॉग में। तो अभी हमें उत्तराखंड के चार मठों में से एक, पूरे भारत में सिर्फ उसके चार मठ हैं, उनमें से मैं एक मठ हूँ जिसका नाम है जोशी मठ। जोशी मठ से मैं तकरीबन हूँ 11 से 12 किलोमीटर दूर गोविंद घाट पर, और गोविंद घाट से हम अब जा रहे हैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए श्री हेमकुंड साहब की ओर। और यहाँ पर जो पहाड़ों का व्यू है ना भाई, कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का है। आप मेरे पीछे अगर देखोगे ना, क्या ही बड़े बड़े से पहाड़ हो रखे हैं। और इधर से आप यहाँ पे भी, और पीछे ही यहाँ से विष्णु प्रयाग 19 है और औली सेंटर वो 31 पड़ता है। तो अभी हम लोग चलते हैं हेमकुंड साहब की ओर। ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता जा रहा है ये हेमकुंड की ओर जा रहा है, पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये जिगजैग करके रास्ता है। तो अभी चलते हैं सीधा हेमकुंड साहब की ओर। ये गाइस यहाँ देख सकते हैं, ये जा रहा है हेमकुंड साहब की ओर। भाई साहब पहाड़ों का व्यू के बीच में हेलीकॉप्टर कैसा दिख रहा था। तो गाइस अभी चलेंगे यहाँ से गोविंद घाट से गोविंद धाम की। और यो मेरे पीछे आप देखो भाई, कितनी गहरी नदी और कितना ज्यादा इसका वेग से पानी है। आपको इसकी आवाज आ रही होगी कितनी ज्यादा भयंकर आवाज है। गाइस हेमकुंड साहब जाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको पीछे जो देख रहे हैं स्टॉप, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना, ये है पुलना। पुलना के पास ही आपको, जैसे आप आएंगे टैक्सी स्टैंड है यहीं पे, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कुछ ऐसा मिलेगा आपको, आधार कार्ड अपना देना पड़ेगा और अपना जो भी बायोडाटा वो बताना पड़ेगा। इसके बाद 2 से 4 मिनट लगता है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अभी जो भी जानकारी होगी मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो टैक्सी का किराया है वो 50 रुपये पड़ता है, नीचे से जो कि गुरुद्वारा है नीचे वहाँ से यहाँ तक जो 50 रुपये पड़ता है। बट पुलना तक जो दूरी है इसकी 4 किलोमीटर के बाद मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ मनी है। तो आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं 4 किलोमीटर की। यहाँ से आपको पहाड़ों का अच्छा खासा व्यूज़ देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो भाई साहब बड़े बड़े पहाड़, और यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। ये शायद घांगरिया तक जाएगी, मैं आगे आपको बताऊँगे कहाँ तक जाएगी। तो गाइस अभी आ चुके हैं लगभग तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का ड्राइव किया पैदल। बहुत ज़्यादा चढ़ाई, एकदम आप पीछे एकदम खड़ी सी चढ़ाई हो रखी है। और ये नज़ारा का मज़ा लेते हुए आप ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। गाइस ऐसी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है इन सारे पत्थरों के जरिए, बहुत दूर बाकी है भी। देख सकते हैं इन सारे जंगलों के बीच से आपको आना पड़ेगा और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो गाइस हेमकुंड साहब की चढ़ाई बहुत बड़ी है यार, वहाँ मैं 16 किलोमीटर की चढ़ाई, और अभी पूरी भी ना हुआ, सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर हम लोगों ने चढ़ा। अभी पत्थर पे बैठो, बैग मेरा उतर रखा है हमारा दोनों, और सुमित तो भी बहुत पीछे, वो तो 2-3 मिनट चढ़ेगा फिर बैठ जाएगा। तो भाई प्रकृति का आनंद लीजिए, यहाँ ऐसी चढ़ाई है यहाँ की एकदम स्ट्रीट। तो अगर आप चढ़ाई पे आ रहे हैं तो आप ये याद रखिए, आप अपने साथ कुछ खाने पीने का जरूर रखिए। रास्ते में बहुत महंगा है, आप बहुत कॉस्टली पड़ता है, और तो वहाँ से नीचे से आप ले के आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे बहुत महंगा देते हैं। पानी की बोतल हो गई 20 के 40 के, कुछ भी हो 20 का है तो 40 का मिलेगा। तो नीचे से लेके आइए कुछ बहुत खाने पीने का, बिस्किट वगैरह हो गया, कुछ भी नमकीन हो गई, एनर्जेटिक चीज़ जैसे ग्लूकोन डी, तो वो भी आप ले सकते हैं। वो देखो अब आया,
तो या गाइस आप ऐसे पहाड़ों का व्यू लेते हुए आप देख सकते हैं कितना अच्छा पानी निकल रहा है, लेकिन इसका बहाव बहुत तेज़ है और ये ग्लेशियर वाला पानी है साहब जो पिघलती है उसका, और इसका मज़ा लेते हुए आप हेमकुंड की यात्रा करें भाई, बहुत मज़ा आएगा। रास्ते में आप चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है बट मज़ा भी उतना ही आएगा। आप पहाड़ देखो यार कितने बड़े बड़े। गाइस आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक है, पानी बर्फ वाला पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा है यार। अभी और ट्रैकिंग करनी है तो चलिए चलते हैं आगे। गाइस यार मैंने कभी सोचा भी ना होगा कि इस तरह के जंगलों में ऐसी रोडों चलना पड़ेगा, यहाँ पे पीछे जंगल ही जंगल है। और ये गाइस सामने आप देखेंगे ये पहाड़ों पे बर्फ दिख रही है हल्की हल्की सी, अभी और ऊपर चलेंगे तो और ऊपर दिखेगी, और रास्ता तो काफ़ी डिफिकल्ट है। फाइनली आप पहुंच चुके हैं और यह हेलीपैड के बिल्कुल पास ही, और यहाँ कैंपिंग की भी व्यवस्था है, सुविधा है। देखते हैं उड़ान भरता है देख कैसे, बिल्कुल हेलीकॉप्टर के बिल्कुल पास में, और सामने व्यूज कैसा आ रहा भाई साहब, एकदम ओपी सा। या गाइस इतनी मेहनत करने के बाद और इतनी ज़्यादा चढ़ाई करने के बाद आ चुके हैं बिल्कुल हेलीपैड के बिल्कुल पास में, और अभी यहाँ से लगभग 700-800 मीटर तो हो गया ही होगा। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। आ चुके हैं इंडिया के लास्ट कैंप रिजॉर्ट जिसकी हाइट 10,003 फीट, और अभी और चलना है यार। तो गाइस आ चुके हैं यार फाइनली, भाई साहब अब आ चुके हैं, बस थोड़ी दूर 500 मीटर बाकी है, और चढ़ाई भाई पूछो ना कितनी थी। तो गाइस अभी हॉल मिल चुका है, और तकरीबन वह हमारे लोग ट्रैकिंग सुबह 11 से स्टार्ट हुई थी और अभी 7 बजे हम लोग आप पहुँचे हैं गुरुद्वारा में, और मैंने एंट्री भी करा लिया है 8 नंबर हॉल पर हमारा, तो कल देखते हैं दर्शन करने चलते हैं कि नहीं भाई, बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी है। तो जितनी भी और सारी जानकारी मैं आपको अगले ब्लॉग में बता दूंगा, तब तक आराम करते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, जय हिंद।